हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज था कथा का पहला दिन और मेरी तबीयत थोड़ी बेटर थी और इसीलिए मैंने सोचा कि पहला दिन जाना चाहिए। तो जो आज की कथा है वो 7 दिन की चलने वाली है। करवाया है ऑर्गेनाइज, आपने उन सिंगर का नाम सुना होगा, बी पराग जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। ये है कथा श्री इंद्रेश उपाध्याय जी की, जो कि आप YouTube पे भी भक्ति पाथ करके चैनल है, उनको सर्च कर सकते हैं। Oh,
हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज लास्ट दिन हमें डॉक्टर के पास जाना है। पहले से रवीना को पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल गया है। फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी पहले से काफ़ी रिलीफ हो गया है। आज लास्ट टाइम जाना है। तो पता नहीं ये वीडियो आपको कब मिल रही होगी, पर ये ब्लॉग पुराने चल रहे होंगे। तो आज रवीना डिस्चार्ज हो जाएगी हॉस्पिटल से, और हमारी गाड़ी भी किसी ने ठोक दी थी, हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी। तो कोई गाड़ी हमारे आगे खड़ी कर रखी थी, उसके मतलब बम्पर से हमारा बम्पर पूरा निकल गया था, उसको भी रिपेयर कराना है। एक के बाद एक नुकसान हो जाते हैं। रवीना को भी जो है ना, ज़्यादा मतलब कुछ वैसा नहीं खा सकती मसालेदार, उसको नॉर्मली खाना खाना है, जो नॉर्मल खाना होता है, मतलब तेल मसाले वाला नहीं, नॉर्मल जो खाना, खिचड़ी टाइप, दलिया टाइप, ऐसा कुछ नॉर्मल खाना खाना है, जूस ऐसा कुछ पीना है। तो घर का सारा काम रवीना ही करती थी। अभी मैं कुछ बना रहा हूँ तो रवीना को थोड़ा लग रहा है कि ये क्यों बना रहा है, मतलब उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मतलब मैं बनाती थी हर दिन तो आज इसको बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा उसको कभी कभी रोने लग जा रही है इस चीज़ों में। बाकी मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, टब लोग का होता है, मतलब कभी काम कम ज़्यादा होता रहता है, कभी मैं बीमार हो सकता हूँ, कभी कोई हो सकता है ना फैमिली में, तो फैमिली जैसा चलता रहता है। तो अभी देखते धीरे धीरे रवीना अच्छी हो जाएगी, फिर आपको नॉर्मल जैसा हम रहते हैं वैसे आपको दिखेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपके ब्लॉग्स मतलब लेट क्यों आ रहे हैं, तो हम अभी केस की वजह से हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े पीछे चल रहे हैं, टाइम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, थोड़े पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जब वीडियो मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर हम ऐसा डालने नहीं, मतलब कुछ नहीं समझ में आया था, इसलिए हमने ये वीडियोज़ नहीं बनाई थी उस टाइम पर। तो मैं बाद में बना रहा हूँ ताकि आपको, और ये वीडियो भी कब जाएगी ये भी नहीं पता है, पर जब अपलोड होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। और आप सभी लोग जितना सपोर्ट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि रवीना जल्दी ठीक हो जाएगी, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतने सब चिंता करते हैं हमारी, बोलते हैं कि जल्द से जल्द रवीना ठीक हो जाए, प्रे करती हूँ। तो थैंक यू आप सभी का, जो भी मैसेज करते हैं कमेंट्स में। तो बहुत लोगों को परेशानी थी कि मैं आ नहीं रहा हूँ और रवीना अकेली है, तू जाता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे, पर ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँचते ही हैं। आप भी स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए अपना, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू आप सभी का। सोई गोपी है वहाँ, इसको पानी दे रहे, फूल को पानी दे रहे।